dear students in this module we are going to discuss the arranged marriages arranged marriages refer to the marriages in which parents or other family members play a key role in selecting potential partners for their children these marriages are still common in many parts of the world including pakistan and arranged marriages are often seen as a way of ensuring compatibility बिटवीन पार्टनर्स एंड ऑफ स्ट्रेंथनिंग द फैमिली एंड कम्यूनिटी टाइज तो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो लव बेस्ड रिलेशनशिप्स हैं उनको फोकस किया जाता है उसके हवाले से माशरे के अंदर एक फ्लैक्सबिलिटी कायम की जा रही है पाकिस्तान के अंदर भी जो है पर्टिकुलरली uh, यूथ जो है दे आर मोर इंटरेस्ट इन लव बेस्ड रिलेशनशिप एज़ कम्पेयर टू द मैरिजिज़ अरेंज बाय देयर पेरेंट्स इंटरेस्टिंगली कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के अंदर जो डाइवर्स रेट्स थे वो कम थे और मैरिटल सेटिस्फेक्शन जो है वो ज़्यादा समझी जाती है ऐसी शादियों के अंदर जिनमें के पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं या जिनमें जो हैं वो एक्सटेंडेड फैमिलियर रिलेशनशिप्स के थ्रू ये रिश्ते जो हैं वो ढूँढे जाते हैं लेकिन आज चूँकि मीडिया uh, का एक बड़ा इफ़ेक्ट है सोशल मीडिया ने मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बहुत आसान बना दिए हैं और ख़ास तौर तो पे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो को एजुकेशन के ऊपर बेस करता है तो ये नस्बता ज़्यादा प्रेवलेंट हो चुका है कि दो पोटेंशियल लाइफ पार्टनर्स जो हैं वो शादी से पहले रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर आएँ और उस रिलेशनशिप को लेटर ऑन जो है वो मैरिज के अंदर या फॉर्मल लीगल रिलेशनशिप में कन्वर्ट करें इंटरेस्टिंगली ये ट्रेंड्स और पैटर्नस जो हैं वो वेस्टर्न सोसाइटी के लाइफ आइडियोलॉजी से फ़्लो होते हैं इनका हमारी जो ट्रडिशनल uh, या कन्वेंशनल लाइफ आइडियोलॉजीज़ हैं उनके साथ कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है लेकिन अब ये है कि ये चूँकि आपके माशरे का हिस्सा बन चुके हैं या बनते जा रहे हैं तो इस वजह से जो सोशोलॉजिस्ट हैं उनको देखना है उनको ऑब्ज़र्व करना है कि कैसे ये ट्रेंड्स और पैटर्नस जो हैं वो आपके अरेंज मैरिज रिलेशनशिप के ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं और उसको चेंज कर रहे हैं और यह दूसरे लफ्ज़ों में अरेंज और लव मैरिजि का एक कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो उसमें ये देखा जा सकता है कि मैरिटल सेटिसफेक्शन जो है वो किस तरह के रिलेशनशिप्स के अंदर हमें मिलती है अरेंज मैरिजिज़ के पीछे जो बड़ी लॉजिक होती है कन्वेंशनल या ट्रडिशनल सोसाइटीज़ में वो ये है कि ये चूंकि दो ख़ानदानों का आपस में ताल्लुक़ होता है इस वजह से उनके लिए जो रिलेशनशिप हैं वो ज़्यादा इम्पॉटेंट होते हैं नस्बता के इंडिविजुअल पार्टनर्स के करटरिस्टिक्स के या उनकी अपनी लाइफ स्किल्स के आ, उनका ज़्यादा फोकस चूँकि रिलेशनशिप बिल्डिंग में होता है तो अरेंज मैरिजिज़ के अंदर जो शादियाँ हैं वो यूनियन ऑफ़ टू फैमिलीज़ कंसीडर होती हैं नस्बता यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल्स के इसी तरह से अरेंज मैरिज़ के जो पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं उनमें एक बेनिफिट ये भी होता है इन केस ऑफ सर्टेन डिस्प्यूट्स विद इन दस पाउज तो जो लोग उस अरेंज मैरिज में इन्वॉल्व होते हैं वो उस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में भी इन्वॉल्व होते हैं फिर बहुत सी सोशल सपोर्ट मेकनिज़म डेवलप हो जाते हैं इन केस ऑफ सर्टेन लाइफ एक्सीडेंट के जिसमें कोई लाइफ पार्टनर जो है वो अकेला रह जाता है तो उस सूरत में भी जो आपके सपोर्ट मैकेनिज़म्स हैं वो एक्टिवली रोल प्ले करते हैं इस तरह के रिलेशनशिप्स के अंदर और ख़ास तौर पे अरेंज मेरेजिज़ के अंदर जो बच्चों की परवरिश का निज़ाम होता है वो चूँकि एक कलेक्टिविटी के अंदर होता है एक्सटेंडेड फैमिली रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व होते हैं तो बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी बात उसी कलेक्टिविटी के अंदर होती है तो इसके साथ साथ जो आ, आ, जो अरेंज मैरिज़ के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं Uh, उनमें बड़ा डिसएडवांटेज शायद ये हो सकता है कि शायद मेरिटल पार्टनर्स की कंपैटिबिलिटी बिल्ट नहीं होती है और बाज़ा जो शादियां हैं वो उन उनकम्पैटबल स्पाउस के दरमियान भी पॉसिबल हो जाती हैं जैसे कि uh, जो एज गैप है वो शायद बहुत ज़्यादा हो सकता है इसी तरह से एक पार्टनर जो है वो हाईली एजुकेटेड हो सकता है और दूसरा अन हो सकता है इसके साथ साथ जो आपके इंटरेस्ट हैं जो लाइफ के इंटरेस्ट हैं लाइफ के गोल्स हैं उनमें शायद उस तरह की इनकम्पेटबिलिटी नहीं होती है तो इट्स अ फूड फॉर थाट फॉर यू इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप देखें कि आपके जो ट्रडिशनल फैमिली सिस्टम था उसमें अरेंज मैरिजेज़ जो हैं वो किस तरह से मैरिटल सेटिसफैक्शन को स्ट्रेंथन करती थी या इंश्योर करती थी इसके लिए आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स का और पेरेंट्स का इंटरव्यू कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप उसको कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं ख़ास तौर पर यूथ जनरेशन के अंदर कि जिसमें लव मैरिजिज़ आर मोर प्रेवलेंट